वेलकम टू स्टॉक मनी चैनल। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एक और बेहतरीन मल्टी बैगर स्टॉक के बारे में, जो हमें अगले 10 से 15 सालों में जो है बहुत ही अच्छा रिटर्न बना के दे सकता है। इस स्टॉक में हमें करना क्या है, 5 शेयर जो है पर मंथ खरीदना है, जिससे कि हमारी रिस्क मिनिमम होगी, अमाउंट भी कम इन्वेस्ट करना पड़ेगा और समय के साथ जब भी इस कंपनी में अगर गिरावट भी आती है तो जो हमारी एवरेज प्राइस आने वाली है वो बहुत ही अच्छी हो जाएगी और 10 से 15 सालों में अच्छा रिटर्न बना के ये कंपनी दे सकती है। कंपनी का नाम जो है वो है रिलैक्सो फुटवियर्स लिमिटेड और इस कंपनी का जो पहला प्रोडक्ट है वो बामाज। सलमान खान जो है इसके ब्रांड एम्बेसडर है और ये मेंस, वुमन और किड्स के लिए स्लीपर्स बनाती है। उसके अलावा जो सेकंड ब्रांड है इस कंपनी का वो है फ्लाइट। फ्लाइट में देखिए आप इस तरीके से मेंस के लिए, किड्स के लिए, वुमन्स के लिए, उसके अलावा स्लीपर्स बनाती है, बैले बनाती है, सैंडल्स बनाती है। थर्ड ब्रांड जो है इसका स्पार्क्स, अक्षय कुमार को आपने टीवी चैनल्स में देखा होगा इसका एडवर्टाइजमेंट करते हुए। इसको भी देखें हम तो देखिए मेंस के लिए, वुमन्स कैनवास में भी बनाता है, स्पोर्ट्स शूज, सैंडल्स, किड्स और ट्रेंडिंग में देखिए इस तरीके के जो शूज है वो अवेलेबल है स्पार्क्स ब्रांड नाम से। उसके अलावा एक ब्रांड और है स्कूलमेट्स, जो भी स्कूल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए जो है ये फुटवियर्स कंपनी जो है बनाती है। तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है और आने वाले टाइम में भी कंपनी का बिजनेस अच्छा ग्रो करेगा। ये बिजनेस जो है हमेशा ही डिमांडिंग रहने वाला है और इस बिजनेस का ग्रोथ होना भी बहुत ही अच्छा ग्रोथ होगा इस कंपनी का। तो ये कंपनी में अगर हम अपना पैसा लगाते हैं तो हमें रिटर्न बहुत ही अच्छी तरीके से मिलेगा। अब देखते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स की, फंडामेंटली कितनी स्ट्रॉन्ग कंपनी है ये। तो रिलैक्सो फुटवियर्स ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखें तो रिलैक्सो फुटवियर्स इज अ मार्केट लीडर इन द फुटवियर इंडस्ट्री। द कंपनी हैज स्टेट ऑफ आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज एट बहादुरगढ़ हरियाणा, भिवाड़ी राजस्थान एंड हरिद्वार उत्तराखंड। तो तीन जगह जो है इसके यूनिट से वहां पर इसके शू जो है मैन्युफैक्चर्स होते हैं। अब देखते हैं इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो है 10,459 करोड़ का। करंट प्राइस 843 रुपए का चल रहा है। 52 वीक हाई जो बनाया है 874 रुपए का। 52 वीक लो बनाया है 658 रुपए का। डिविडेंड यील्ड भी अच्छा है 0.17%। फेस वैल्यू 1 की कंपनी है। डेप टू इक्विटी रेशियो भी 0.20 है, यानी कि 1 से कम है, बहुत अच्छा। और प्रमोटर होल्डिंग भी बहुत ही अच्छी है 74.95%। और एक भी शेयर इस कंपनी का गिरवी नहीं है। रिजर्व देखें तो 750 करोड़ का है। तो ओवरऑल देखें तो फंडामेंटल स्ट्रांग लग रहा है। अब देख लेते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट। सेल्स देखें तो देखिए 543 करोड़ से बढ़ के 551 करोड़ का हो चुका है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 74 से 73 करोड़, यहाँ पर 1 करोड़ का जो है गिरावट आई है। लेकिन क्वार्टर टू क्वार्टर कंपेयर करें तो 72 करोड़ से 73 करोड़ का हुआ है, तो लगभग अच्छा ही है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है 13% का है। फिर देखिए नेट प्रॉफिट देखिए 36 करोड़ का है। अभी थोड़ा गिरावट आया है, इसी के लिए हम क्या कर रहे हैं इस स्टॉक में SIP मोड में जो है बाय कर रहे हैं। अगर इस स्टॉक में और भी गिरावट आती है तो हम SIP करते रहेंगे तो हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंपनी का बिजनेस शानदार है और बहुत ही अच्छा ग्रो करने वाली है। एक दो क्वार्टर के रिजल्ट के बेसिस पर ऐसी कंपनी को हम छोड़ नहीं सकते क्योंकि ये कंपनी बहुत अच्छी है। उसके अलावा देखिए प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखिए ईयर वाइज, तो 1,957 करोड़ से 2,217 करोड़ का जो है सेल्स हो चुका है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए 302 करोड़ से 327 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए मार्जिन 15% का हो चुका है। नेट प्रॉफिट देखिए तो 161 करोड़ से 174 करोड़ का हो चुका है। अर्निंग पर शेयर 13.39 का है और डिविडेंड भी कंसिस्टेंट पे आउट करते हुए। देखिए कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट खराब रहा लेकिन ईयर वाइज इसने मेंटेन कर लिया क्योंकि कंपनी अच्छी है और इसके प्रोडक्ट्स जो है एवरग्रीन है, हर साल जो है बिकते ही रहेंगे और इसके ब्रांड्स भी बहुत ही अच्छे हैं और इस कंपनी का बिजनेस जो है बहुत ही अच्छा होने वाला है आने वाले टाइम में। उसके अलावा देखिए इसका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखें हम तो 10 साल का सेल्स ग्रोथ देखिए 20.40%, प्रॉफिट ग्रोथ देखिए 30.92%, 10 ईयर का रिटर्न देखिए 25.72% और ROE लास्ट ईयर भी 23.51% का मेंटेन किया है। तो बहुत ही अच्छा पैसा बना के देने वाली है पर ईयर, बहुत ही अच्छी रेट से ये कंपनी जो है बढ़ रही है। बैलेंस शीट देखिए कंपनी का, रिजर्व्स 816 करोड़ का हो चुका है और टोटल असेट्स कंपनी का 1,312 करोड़ का है।
कैश फ्लो देखिए तो अभी नेगेटिव है, जीरो है, यानी कि कंपनी ने अपना जो है पैसा और भी प्रोजेक्ट्स में लगा कर रखा है। तो कंपनी का ओवरऑल फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रांग लग रहा है। अब देखते हैं कंपनी के रिटर्न्स डिटेल में। वन वीक में देखिए 9.80% का रिटर्न दिया है, वन मंथ में 13.35% का रिटर्न देखिए, और आज के दिन ही देख लीजिए कंपनी ने जो है 6.30 रुपये जो है बढ़ चुकी है, 850 रुपये का जो है इसका प्राइस हो चुका है करंट। ईयर टिल डेट में देखिए 15.88% का, वन ईयर में 25%, थ्री ईयर में 69, फाइव ईयर में 477, और 10 साल में देखिए आप 29,548% का जो है रिटर्न इस कंपनी ने दिया है। तो कितना अच्छा, सेंसेक्स को तो बिल्कुल ही आउट परफॉर्म इस कंपनी ने कर दिया है, और आने वाले 10 या 15 सालों में भी कंपनी इस तरीके का रिटर्न देने का पोटेंशियल रखती है। अब देखते हैं क्वालिटी इस कंपनी की कैसी है। क्वालिटी देखें तो गुड क्वालिटी की कंपनी है, वैल्यूएशन भी अभी जो है एक्सपेंसिव है, लेकिन फेयर वैल्यूएशन में आना इस कंपनी का बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इस स्टॉक को SIP में बाय कर रहे हैं, ताकि अगर गिरावट आती भी है इस स्टॉक में तो भी हमारा जो है एवरेज प्राइस बहुत अच्छा हो जाएगा। अब देखते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न डिटेल्स में। प्रमोटर की होल्डिंग है 74.2% का, नॉन इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग है 19.8% की, FIs ने 3.8% का होल्डिंग बना के रखा है, म्यूचुअल फंड ने 2.19% का, अदर DIs ने बना कर रखा है 0.01% का। प्लेन परसेंटेज एक भी नहीं है, 8 म्यूचुअल फंड ने पैसा लगा कर रखा है और 30 FIs ने जो है पैसा लगा कर रखा है। तो आप इस कंपनी में जो है SIP मोड में 5-5 शेयर की SIP कर सकते हैं, और इस कंपनी को बाय करने से पहले आप खुद से भी इसकी वेबसाइट पर जाइए, इसकी एनुअल रिपोर्ट्स पढ़िए, ताकि आपको भी पता चल सके अगर आप इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो हमारा पैसा सही जगह जा रहा है या नहीं, वो भी हमें पता होना चाहिए। इस तरीके से अगर आप किसी कंपनी में ये सब चीज़ें देखकर अगर इन्वेस्ट करते हो, बिजनेस को देखकर, तो आपका पैसा ज़रूर बनेगा स्टॉक मार्केट में। लॉन्ग टर्म में जो है हमेशा स्टॉक मार्केट में पैसा बनता ही होगा, और किसी भी स्टॉक को बाय करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लेवें। आई होप आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले मिल सके, और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।